अब हम कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं को देखते हैं। तो कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं होती है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को अंतरावस्था कहते हैं और एम फेज को सूत्री विभाजन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन, तो सूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। और अंतरावस्था दो क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। मनुष्य की कोशिका का कोशिका चक्र औसतन कोशिका चक्र 24 घंटे होता है, परंतु कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूरा हो जाता है, जिससे कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत हो जाती है। अब एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन से होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस से शुरू होता है, और संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य है। तो जो केंद्रक विभाजन है वो संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण के समतुल्य होता है। और इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। तो अंतरावस्था को हम विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 95% का समय लग जाता है। और यह प्रावस्था है जिसमें, यानी अंतरावस्था वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका की वृद्धि होती है। वह डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होते हैं। अब हम अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, करते हैं। पहला है पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था, जिसको जीवन फेज कहते हैं। दूसरा संश्लेषण प्रावस्था, जिसको एस फेज कहते हैं। और तीसरा है पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था, जिसको G2 फेज कहते हैं। अब देखते हैं हम पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था ये कहाँ से शुरू होती है। यह समसूत्री विभाजन एवं डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृत नहीं होता। डीएनए की प्रतिकृति होती है संश्लेषण प्रावस्था के दौरान होती है। और एस प्रावस्था के दौरान ही डीएनए का निर्माण होता है व इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा को 2C से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें 4C हो जाता है। पौधों में शीर्षस्थ कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है, इसलिए इनको विभिजोत्तकी उत्तक कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें गुणसूत्रों की 4C हो जाता है, यानी कि 4 गुणित हो जाएंगे, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। अब G2 प्रावस्था में कोशिका द्विगुणित है, यहाँ 2N गुणसूत्र है, तो S प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है। जीवन अवस्था में यहाँ हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यहाँ सिर्फ डीएनए की मात्रा बढ़ती है, ना कि संख्या। डीएनए की संख्या वो के वो ही रहती है जो जीवन में थी, लेकिन यहाँ एस प्रावस्था है, इसमें
मात्रा जरूर दोगुनी हो जाती है, यानी कि 2c के स्थान पर 4c हो जाएगी, यानी 4 गुनी मात्रा हो जाएगी, लेकिन संख्या वो क्या वही रहती है। अब हम देखते हैं कि संश्लेषण प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में प्रतिकृतिकरण होने लगता है, यानी तारक केंद्र के कोशिका द्रव्य में भी प्रतिकृतिकरण होने लगता है तथा कोशिका वृद्धि के साथ सूत्र विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ हमने देखा कि तारक केंद्र की कोशिका द्रव्य का प्रतिकृतिकरण हो जाता है, कोशिका की वृद्धि के साथ ही G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण G2 प्रावस्था में होता है, और ये क्यों होता है? सूत्री विभाजन के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होगी वो G2 प्रावस्था में बन जाती है। प्रौढ़ प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे हृदय कोशिका, तथा अन्य कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कभी कभार ही विभाजित होती है। जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती है, तथा ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती उनमें जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, यानी जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहते हैं, G0 अवस्था कहते हैं। अर्थात इस प्रकार की कोशिकाओं में जीवन अवस्था नहीं आती, डायरेक्ट कौन सी अवस्था आती है? G0 अवस्था आती है सूत्र विभाजन के बाद। इस अवस्था की कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, लेकिन यह विभाजन नहीं करती। इनका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार ही होता है। अब हम यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल और केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है, यानी प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित व द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है, यानी पादपों में अगुणित कोशिका और द्विगुणित कोशिका दोनों में ही समसूत्री विभाजन होता है, यानी सूत्री विभाजन होता है, लेकिन प्राणियों की केवल द्विगुणित कायिक कोशिका में ही समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं सूत्री विभाजन अवस्था, जिसको हम एम अवस्था भी कहते हैं। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं में स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है, फिर भी हम जो एम प्रावस्था है इसको हम 4 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। पूर्वावस्था अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव है। एस व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे हुए होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थों के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। तो पूर्वावस्था की पहचान क्या है? गुणसूत्रीय पदार्थों के संघनन का आरंभ होना।
गुणसूत्री संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। तारक केंद्र जिसका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ हो जाता है। तो तारक केंद्रों का द्विगुणन एस प्रावस्था के दौरान ही होता है, यानी एस प्रावस्था के दौरान तारक केंद्रों का भी होता है द्विगुणन और डीएनए का भी द्विगुणन एस प्रावस्था में ही होता है। पूर्वावस्था के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर के ठोस गुणसूत्र बनाता है, और गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। समसूत्री तर्कु तंतुओं का निर्माण सूक्ष्म नलिकाओं के जमावड़े की प्रक्रिया से शुरू हो जाता है, और ये प्रोटीन युक्त घटक होते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक और केंद्रिका के आवरण दिखाई नहीं देते, यानी जो चारों घटक है अंगक है इनके आवरण है वो दिखाई नहीं देते गोल्जिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका और केंद्रक के। अब हम बात करते हैं अगली अवस्था मध्यावस्था। मध्यावस्था में गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है तथा सूक्ष्मदर्शी से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, और यही अवस्था है जिसमें गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मध्यावस्था में गुणसूत्र दो संतति अर्धसूत्रों से बना होता है। मध्यावस्था में गुणसूत्र दो संतति अर्धसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्क तंतुओं के जुड़ने का स्थान, ये संरचना काइनेटोकोर होती है, यानी काइनेटोकोर से ही तर्क तंतु जुड़ते हैं जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। यानी जो काइनेटोकोर है एक तरफ तो किससे जुड़े होते हैं तर्क तंतुओं से, दूसरी तरफ गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित हो जाते हैं तथा प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर द्वारा जुड़ा रहता है। वहीं इसका संतति अर्धगुणसूत्र तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। यहां हम देखते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र, यानी प्रत्येक गुणसूत्र में दो संतति गुणसूत्र होते हैं, तो प्रत्येक को हम क्या कह सकते हैं, अर्धगुणसूत्र को संतति अर्धगुणसूत्र भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्धगुणसूत्र एक ध्रुव से तर्क तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वहीं इसका ये अर्ध है तो फिर अर्ध है। वहीं इसका संतति अर्धगुणसूत्र तर्क तंतु के द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। तो हम यहां देख सकते हैं ये पुत्री गुणसूत्र है, यानी दो संतति गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है और ये संतति गुणसूत्र है, यानी कि ये बीच में से चिरा हुआ है, इधर से भी
तो ये काइनेटोकोर है, तो काइनेटोकोर ये विपरीत ध्रुवों से जुड़े हुए हैं। ये काइनेटोकोर इधर है और इधर काइनेटोकोर इधर है, तो इधर का काइनेटोकोर इधर के ध्रुव से जुड़ा हुआ है और इस साइड का काइनेटोकोर इधर के ध्रुव से या तारक तंतु से, तारक केंद्र से जुड़ा हुआ है। मध्य अवस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं, और इस अवस्था की मुख्य विशेषता ये है कि तारक तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तारक तंतुओं से जुड़ जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं मेटाफेज की अवस्था है, तो जो काइनेटोकोर यहाँ पर होता है और ये हमारी मेटाफेज पूरी होती है। पश्चावस्था, पश्चावस्था में मध्य पटलिका पर आए हुए प्रत्येक गुणसूत्र का एक साथ अलग होना होने लगते हैं, यानी जो पश्चावस्था में मध्य पटलिका के प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं, और इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। अब ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है तथा गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे की ओर होती है, पीछे जाती है इनकी। अब इसकी विशेषताएं क्या है कि गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्धगुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, तो गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ये इसकी विशेषता है पश्चावस्था की। अब हम देखते हैं अंत्यावस्था, यानी कि अंत्यावस्था को बोलते हैं टीलोफेज। इस अवस्था में अंत्यावस्था में गुणसूत्र अपने ध्रुवों पर चले जाते हैं और असंगनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं, अर्थात एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देते। अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। अब इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रिका, गोलजिका व अंतःद्रव्य जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अंत्यावस्था है टीलोफेज, इसमें पुनः केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है और बाकी जो कोशिका के अंग थे वो भी बनने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। तो समसूत्री विभाजन के दौरान ही द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथक्कन हो जाता है, यानी कि सूत्री विभाजन के दौरान ही गुणसूत्र केंद्रकों में चले जाते हैं, जिसे हम केंद्रक विभाजन कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। अब कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या होता है कि इसमें दो संतति कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, जिसको हम कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। प्राणियों की कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। खांचे लगातार गहरी होने लगती है, वे अंत में केंद्र में आपस में मिल जाती है और कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। जबकि पादपों में कैसे होता है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाती है, और इस तरह से नई कोशिका भित्ति का निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे
कोशिका पट्टिका कहते हैं, यानी कोशिका पट्ट निर्माण के द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और जिससे कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। और कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका के अंगक माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लवक है, ये दोनों संतति कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसे बहुकेंद्रकी कोशिका को संकोशिका कहते हैं। नारियल का भ्रूणकोष, तो नारियल के भ्रूणकोष में क्या होता है, केंद्रक विभाजन तो हो जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, तो ऐसी कोशिकाओं को बहुकेंद्रकी कोशिका कहते हैं और बहुकेंद्रकी कोशिका को संकोशिका भी कहते हैं। नारियल का तरल भ्रूणकोष, इसमें एक कोशिका में तीन गुणसूत्र होते हैं। तो इसी के साथ में हमारा कोशिका चक्र पूरा होता है।